वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। यह हमारे ट्रेवल ऐप ब्लॉग का दूसरा ट्रेवल ब्लॉग है जो बलूचिस्तान के इलाके चारों मुच्छी पर बना हुआ है। यह इस ब्लॉग का दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको पॉइंट की ट्रैकिंग के हवाले से बताएंगे। अगर आपने इस ब्लॉग का पहला पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें कंप्लीट रूट की डिटेल्स मौजूद हैं और हम असद भाई के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने हमें बलूचिस्तान का इतना खूबसूरत पॉइंट दिखाया। तो आए आप इस वीडियो को एंजॉय करें और कुछ ज़रूरी बातें हम आपको आगे बताएंगे। तो व्यूवर, सबसे पहले हम आपको कैंपिंग के बारे से बताते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चारों मछी पर रिहाइश की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं। मुला चतुक पर तो एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस मौजूद है पर चारों मछी पर ज़मीन और आसमान और खूबसूरत नज़ारों के सिवा कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर आपके पास कैंप होना बहुत ही ज़रूरी है और साथ साथ खाने पीने का सामान भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट की ट्रैकिंग के हवाले से। कैंप साइट से तकरीबन एक घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप मेन पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो आए इस वीडियो को आप म्यूज़िक के साथ देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत से खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़िर हैं।
तो व्यूवर्स इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। ये चारों मच्छी का पहला मेन पॉइंट है और यहाँ पर मौजूद जो खजूर के दरख्त हैं वो इस नज़ारे को और भी हसीन बना देते हैं। और आगे हम आपको दूसरा मेन पॉइंट भी दिखाएंगे जो इससे भी बहुत खूबसूरत है और उसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अगर आपको ज़िंदगी में एक बार मौका मिले तो आप इस जगह पर ज़रूर एक बार विज़िट करें, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि और अच्छी अच्छी जगहें और ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले। और व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।